संक्रमण पर काबू पाने के लिए तेजी से कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। देश में फिलहाल ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन हाल ही में इससे जुड़ी एक खबर ने विदेश जाने की तैयारी करने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी थी। दरअसल कोविशील्ड को अभी कई देशों ने अपने यहाँ मान्यता नहीं दी है। इसी बीच एक खबर ने जोर पकड़ा कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले यात्रियों को यूरोपीय संघ के देश अपने यहाँ आने की इजाजत नहीं देंगे। इसके बाद इस मामले पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट कर कहा, मुझे एहसास है कि बहुत से भारतीय जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन ली है उन्हें यूरोपीय संघ की यात्रा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं, मैंने इसे उच्चतम स्तर पर उठाया है और उम्मीद है कि इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। नियामक और राजनयिक दोनों स्तर पर इसका हल निकाला जाएगा। लेकिन अब खबर ये है कि ईयू कोविड ग्रीन पास केवल यूरोपीय संघ देशों में यात्रा करने के लिए है, न कि विदेश से यात्रा करने वाले लोगों के लिए। अब यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन को अस्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यात्रा अभी तक खुली ही नहीं है, कोविशील्ड को नहीं मिली है मान्यता। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में निर्मित कोविशील्ड को अभी तक ईएमए द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, जबकि वैक्सजेवरिया और कोविशील्ड दोनों ही एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है। भारत में कोविशील्ड का निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है, जिसे WHO ने भी मंजूरी दी है। इन टीकों को मिली है मंजूरी। बता दें कि मौजूदा समय में ईएमए द्वारा 4 टीकों को मंजूरी दी गई है। इनमें फाइजर बायोएनटेक की कॉमरनाटी, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सजेवरिया और जॉनसन एंड जॉनसन की जेनसेन को मंजूरी दी गई है।